अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, ईद की प्यारी सी सुबह मुबारक सबको। ईद की सुबह बारिश, 8:30 हो चुके हैं और इतना प्यारा मौसम बारिश का हो रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है। हेलो हनी बनी, ईद मुबारक, कैसे हो? कितनी प्यारी सुबह है आज, ईद उल फितर की सुबह। कुछ बोलो, नाराज क्यों हो हनी? राजा रानी, ईद मुबारक। ईद मुबारक मेरा क्यूट सा रियो, तुम्हें ईद मुबारक। ओ क्यूट, हाँ यो, अब मैं हाउस से निकलते ही अपना फूड खाना शुरू हो गया। टोक्यो ईद मुबारक, टोक्यो टोक्यो टोक्यो। बीवा जी, मेरा एक न्यू बर्ड है मुन्ना, छोटा सा ऑरेंज और ग्रीन पैरट, ये मैंने कल ही लिया है। कितना क्यूट मुन्ने, ईद मुबारक मुन्ना, और प्यारे से मुन्ने को ईद मुबारक। बिल्कुल छोटा सा फिशर, क्यूट। मेवर रानिया सुबह सोई हुई है, ये ईद की सुबह है और ये अभी तक सो रही है, उठ नहीं रही। मैंने इसे कई मतलब उठाया, रानिया उठ जाओ कि मैं ली। आप पकाया, आप हर ईद पे खीर बनाती हैं और आपके हाथ की खीर मुझे बहुत पसंद है। आप जानती हैं कि रात को अचानक ही ईद की अनाउंसमेंट हुई है, तो मैं अभी बनाऊंगी। मैंने रात को कोई तैयारी नहीं इतनी की थी, तो अभी हम सब कुछ एक डेढ़ घंटे के अंदर रेडी कर लेंगे, अपना मेन्यू जो भी है। ये हे वीवर, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज ईद का दिन है तो हम हलवा पूरी बनाएंगे और साथ में चिकन की ग्रेवी एक रेडी करेंगे। तो ये सूजी है, सूजी मैंने ये वाला एक मग लिया सूजी का, और इस सूजी की ये होता है, इसके जो इंग्रेडिएंट है, सूजी अगर एक मग है और तो चीनी, ये डबल मग, दो मग होंगे, और देसी घी जो है वो भी एक मग होगा, यही वाला। तो अब मैंने इलायची और सूजी को पहले थोड़ा सा
हल्का सा इसको मैंने भूनना है और अब मैं इसके अंदर घी ऐड करूंगी, देसी घी। गार्निश के लिए पिस्ता, बादाम और किशमिश ये बाद में गार्निश करेंगे। ये इलायची का पाउडर जो मैंने भी ऐड कर दिया हुआ है। गोल्डन हो चुकी है, ये मलाई है जिसको मलाई कहते हैं या क्रीम भर के दूध की मलाई है, जब भी मलाई कहते हैं ऐसी मलाई कहते हैं। चीनी एक मग मैंने डाल दी, हर मीठा तेज खाते हैं वो दो डालने में उसको डेढ़ मग डाली। मेरे पास यही वाले चार मग हैं, पानी के बगैर कर दिए। हलवा पक रहा है, थोड़े पिस्ते और सौगी और बादाम मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, इसके बाकी मैं गार्निश के लिए रखूँगी। ऊपर मैं इसके थोड़ा ऑलिव ऑयल डालूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ईद मुबारक सबको। आज हमारे घर ईद का मेन्यू जो कि बहुत अमेजिंग है, हमने बनाए हैं पूरियां पटूरे और साथ सूजी का हलवा और साथ मखनी हांडी, और अब हम आपको पूरियां फ्राई होती हुई दिखाएंगे। ये ये हमारी मखनी हांडी है और इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। बहुत जबरदस्त क्रीमी मुंह में घुलने वाली है, ये अमेजिंग। सो गाइस, ये हमारा हलवा है देसी घी का, सूजी का। इस पर हमने गार्निशिंग की है बादाम, पिस्ते और मेवो से किशमिश से, और ये है पटूरे, ये क्रिस्पी एंड सॉफ्ट, और वो है हमारी मखमली हांडी, और वो है अचार। ये गाइस हमारा ईद ब्रंच रेडी है, जिसमें हमने देसी घी का सूजी का हलवा बनाया है एंड इट्स टॉप्ड ऑफ विद अ लॉट ऑफ आलमंड्स और पिस्ता जार और किशमिश। ये हमारे पटूरे हैं और वो हमारी मखनी हांडी है और वो है हमारा मिक्स अचार। और हमारे घर में हर साल इसी तरह संडे नहीं ईद ब्रंच होता है, जो कि हम बहुत इंजॉय करते हैं, हमारी मामा बनाती हैं ये सब। गाइस हमारा ये ईद का ब्रंच रेडी है, ये मैंने खुद बनाया है और मैं आपको खाकर बाद में बताऊंगी कि ये कितना मज़ेदार बहुत ज़्यादा। आप भी ईद का सेकेंड डे यही मेन्यू रखेंगे, मेरा मेन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। वीवर, मैं आपको हलवा टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कितना ज़्यादा मज़ेदार है देसी घी का।
बहुत ही मज़ेदार, कमाल हो गया। ये मखनी हांडी भी मैंने टेस्ट की है, बहुत मज़े की है। बहुत ही टेस्टी और रिच टेस्ट है, रिच। ईद के सेकंड डे आप भी ये मेन्यू बनाएं और अपना बहुत सा ख्याल रखें और ईद की छुट्टियों में इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। बाय।